वाले हैं। मेरा फेशियल जो है एक बेहद पावरफुल फेशियल है जो आपकी स्किन से हर किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में बेहद ही मददगार साबित होता है। ये एक ऐसा फेशियल है जो प्रोफेशनली सैलून्स में या स्किन स्पेशलिस्ट क्लिनिक में किया जाता है, और इस ट्रीटमेंट से आपकी स्किन जो है वो यंगर लुकिंग और ग्लोई होना शुरू हो जाती है, और स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाती हैं। हाइड्रा फेशियल के बेशुमार फ़ायदे हैं। हाइड्रा फेशियल जो है आपकी स्किन की ऑलमोस्ट तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में बेहद मददगार साबित होता है। बात करते हैं हाइड्रा फेशियल के कुछ बेनिफिट्स की। हाइड्रा फेशियल जो है आपकी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है, ऐसा तो है आपकी स्किन को एक नया टेक्सचर देता है, आपकी स्किन से ब्राउन स्पॉट डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद देता है, और ये आपकी स्किन से जो एजिंग के साइन है उनको भी बेहद जल्दी आने से रोकता है। इसके साथ साथ अगर आपकी एक्ने ओरिएंटेड स्किन है तो हाइड्रा फेशियल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फेशियल है। ये फेशियल आपकी स्किन से एक्ने को ख़त्म करने में, एक्ने के मार्क को, एक्ने स्कार्स को ख़त्म करने में बेहद मददगार साबित होता है। तो अगर चाह रही हैं आप कोई भी ऐसा फेशियल लें जो आपकी स्किन से एक्ने को ख़त्म कर दे परमानेंटली, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसके फ्यू सेशन लिए जाएँ ताकि आपकी स्किन से ये एक्ने की तमाम निशानात, एक्ने को, इसके स्कार्स को अच्छे से रिमूव किया जाए। तो अगर बात करें हाइड्रा फेशियल की, तो ये आपकी स्किन से जो आपकी स्किन पे बड़े बड़े पोर्स और इस तरह के गड्ढे पड़ गए होते हैं उनको रिमूव करने में भी बेहद फ़ायदेमंद है। ये आपकी जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करता है, आपकी स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को जो है, जो अनइवन टेक्सचर हो चुका है आपकी स्किन का, उसको स्मूथ करता है, और बिल्कुल आपको सपल और बेबी लाइक स्किन मिलना शुरू हो जाती है। आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये अनइवन स्किन टोन है, स्किन पे बेशुमार गड़े पड़े हुए हैं, तो हाइड्रा फेशियल के ट्रीटमेंट से ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रा फेशियल जो है वो एक एंटी एजिंग फेशियल है। फेशियल में आपकी स्किन में कुछ ऐसे सीरम्स को इन्फ्यूज़ किया जाता है जो कि आपकी स्किन की डीपर लेयर में जाते हैं और आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि आपकी जो स्किन पे एजिंग के असरात आना शुरू हो गए हैं उनको कम किया जा सके। एंटी एजिंग जो है वो आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। एजिंग के असरात आपको बेहद जल्दी बूढ़ा और लैक लस्टर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हाइड्रा फेशियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेशियल टू गेट रिड ऑफ एजिंग साइंस। उसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स का शिकार हो चुकी है तो हाइड्रा फेशियल कुड बी द बेस्ट फेशियल फॉर यू। विजिट एनी सलून नियर यू टू हैव द हाइड्रा फेशियल, बट सलून मस्ट बी एन ऑथेंटिक वन, बिकॉज आपकी स्किन जो है वो थर्ड क्लास सैलून्स को विज़िट करते हुए और डैमेज हो सकती है। तो आप हाइड्रा फेशियल के बेनिफिट्स की जगह हाइड्रा फेशियल के आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर आपकी पिगमेंटेशन है, आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स, किसी भी स्किन प्रॉब्लम का इशू है आपको, तो आप ऑथेंटिक डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करें या ऐसे क्लिनिक्स को विज़िट करें जो कि हाइड्रा फेशियल क्लिनिक्स हैं, ना कि चीप सैलून्स को। तो यहाँ बात करते हैं हाइड्रा फेशियल औरतों के लिए तो बेहद ही मुफीद है। ये औरतों की स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में मददगार साबित होता है, लेकिन हाइड्रा फेशियल जो है वो मर्दों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मेल जो हैं वो अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मेल्स में वैसे भी पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है धूप की वजह से, वो बाहर काम करते हैं, इसके अलावा डार्क स्पॉट्स भी मेल की स्किन का हिस्सा होते हैं, तो वो भी हाइड्रा फेशियल के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो ले सकते हैं अपनी स्किन से ये तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ बात करते हैं हाइड्रा फेशियल करते हुए कितने स्टेप्स को फॉलो किया जाता है।